हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर अनिल विज का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष में सरकार को घेरने का दम नहीं। रेवाड़ी लव जिहाद की जांच जारी। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कृषि मंत्री ने बरोदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। जेपी दलाल ने कहा कि जिस तरह बरोदा की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही जेपी दलाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं किसानों पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई परेशानी नहीं है। करवा चौथ के मौके पर बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और इसी व्रत को पूरा करने से पहले महिलाओं ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। इस दौरान महिलाओं में किसी प्रकार का कोरोना का खौफ देखने को नहीं मिला। करवा चौथ के मौके पर दुकानदारों का कहना है कि पहले महिलाएं एक सप्ताह पहले से ही खरीदारी करती थी, लेकिन इस बार महिलाएं एक दिन पहले ही सिर्फ बाजारों में खरीदारी के लिए नजर आई। करवा चौथ के मौके पर महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। इस मौके पर महिलाएं किसी भी तरह की चाइनीज सामान को नहीं खरीद रही हैं। महिलाओं का कहना है कि हम इस बार दिवाली या किसी भी त्यौहार पर चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे। रादौर में करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल है। त्यौहार के साथ ही व्यापारी वर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है। करवा चौथ के व्रत को लेकर इस बार सुहागिनों को मिट्टी से बना डिजाइनर करवा काफी पसंद आ रहा है। मिट्टी से बना सामान बेचने वाले दुकानदार कृष्णलाल ने बताया कि इस बार उन्होंने मिट्टी से डिजाइनर करवे तैयार किए थे, जिन्हें महिलाएं काफी पसंद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के अलग अलग साइज के करवे बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिन्हें महिलाएं अपने हिसाब से खरीद रही हैं। करवा चौथ के मौके पर सुहागिनें बाजारों में मेहंदी लगवाती नजर आईं। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना जरूरी होता है। इसी कड़ी में महिलाएं करवा चौथ पर किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और वो बाजारों में खरीदारी कर रही हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक खूब दिख रही है और ग्राहक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में रौनक लौटने से दुकानदार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जहां ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सावधानियां बरत रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। त्योहारी सीजन के अंदर बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी चिंता बाजारों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की भी रहती है। हालांकि अंबाला के एसपी का दावा है कि ऐसी कोई भी दिक्कत अंबाला वासियों को आने नहीं दी जाएगी। करनाल के बाजारों में करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बाजारों में रौनक है। महिलाएं मार्केट में पहुंचकर श्रृंगार और व्रत का सामान खरीद रही हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस साल यह रौनक कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह वैसे ही बरकरार है जैसे पिछले साल देखने को मिला था। दुकानदारों का भी कहना है कि करवा चौथ को लेकर जैसा सोचा था वैसा माहौल बाजार में लग नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन महिलाओं में करवा चौथ को लेकर उत्साह है और बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। करवा चौथ का सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बाजार सज चुके हैं और महिलाएं जहां नई नई डिजाइन की मेहंदी हाथों पर रचवा रही हैं, वहीं उनके द्वारा बाजारों में सजे सुंदर करवे भी खरीदे जा रहे हैं। हलवाइयों की दुकानों पर भी रौनक देखी जा रही है, जहां महिलाएं व्रत से संबंधित फेनिया और अन्य सामान खरीदती नजर आईं। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1684 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 460 और फरीदाबाद में 296 नए केस सामने आए हैं।
प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब तक कुल 1817 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,72,130 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले एक दिन में 1,258 मरीजों में कोरोना को मात दी है। त्योहारी सीजन में लगता है लोग कोरोना को बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि बीते दिनों से लगातार घटने वाला कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। अकेले गुरुग्राम में ही पिछले 3 दिनों में हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं। त्योहारी सीजन में कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इस फेस्टिवल सीजन में बाजारों में भीड़ भी हो रही है और इसको लेकर लोग ढिलाई कर रहे हैं। इसी को लेकर यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को सतर्क रहने की अपील की है। डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, फतेहाबाद में पुजारी की पिटाई मामले में पुलिस ने किया केस दर्ज। वायरल वीडियो पर पुलिस ने खुद ही संज्ञान लिया। 3 नामजद सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नारनौद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद किए गए स्कूलों को खोल दिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वही स्कूल आ सकते हैं, लेकिन यहां सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए 7वीं क्लास के बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। मामला नारनौद के गांव खंडाखेड़ी का है। भारतीय विद्या स्कूल का यह मामला है जहां कोरोना संक्रमण के बीच नौनिहाल क्लास में है। यह एक चौंका देने वाली बात है कि जब सरकार ने सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के ही बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति दी है तो 7वीं क्लास के बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया गया है। जाखल मंडी के उपतहसील और खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में पिछले 4 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है, जिस समस्या से कार्यालय के अधिकारी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। रोडवेज में HCS और IAS अधिकारियों की जगह पर पुलिस के अधिकारियों की नियुक्ति के फैसले के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। डिपो परिसर में कर्मचारियों ने 2 घंटे प्रदर्शन में सरकार के फैसले को गलत बताया और फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की। दरअसल पिछले दिनों हुई रोडवेज की 18 दिनों की हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने दर्ज किए गए मुकदमे को भी वापस लेने की मांग की। रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से विभाग के जीएम के जरिए महानिदेशक और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इन नीतियों के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी आगामी 26 तारीख को आंदोलन करेंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया। बच्चे 2 अलग अलग दुकानों पर काम कर रहे थे। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के अधिकारी रविंदर की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि दुकानों पर बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहर में कहीं भी कोई बच्चा अगर बाल मजदूरी करा रहा है, तो कोई बच्चा भीख मांग रहा हो या किसी बच्चे पर अत्याचार हो रहा हो तो वो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को जानकारी दे सकते हैं। अंतर्राज्यीय रूटों के खुलते ही अंबाला डिपो से दिल्ली तक रोडवेज का पहिया फिर से घूमना शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार से परमिशन नहीं मिलने के कारण अभी तक हरियाणा रोडवेज की बसें दिल्ली नहीं जा पा रही थी, जबकि अन्य राज्यों के लिए ये सुविधा पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार से परमिशन के बाद सभी राज्यों से दिल्ली बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना की वजह से कई रूटों पर हरियाणा रोडवेज ने सर्विस बंद कर दी थी, जिससे यात्रियों को दूसरे राज्यों में आने जाने में परेशानी हो रही थी।
इसके अलावा अंतर्राज्यीय रूट बंद होने की वजह से रोडवेज को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब इन रूटों पर बसें चलने से रोडवेज की आमदनी में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने से यात्रियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। IPL 2020। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हांसी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग के समक्ष नगर पार्षदों ने अपनी बात रखी। इस दौरान पार्षदों ने सड़कें गलियां सफाई व्यवस्था की कमी को म्युनिसिपल कमिश्नर के समक्ष रखा। इस दौरान चेयरपर्सन समर्थक और विरोधी गुट के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग नगर परिषद का निरीक्षण करने पहुंचे थे। म्युनिसिपल कमिश्नर अशोक गर्ग ने कहा कि पार्षदों ने जो समस्याएं उठाई हैं उनके समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर नजर है और समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार का जो पैसा विकास कार्यों के लिए आया है वो 100% खर्च हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। प्रदेश में चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल से सामने आया है, जहां चार महिलाओं ने ज्वेलरी की दुकान से सोने की चार चूड़ियां लेकर फरार हो गई। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कनीना खंड के गांव नोताना में एक पूर्व फौजी ने लाइसेंसी रिवाल्वर से एक युवक को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नोताना वासी राम प्रकाश हाल ही में सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। पूर्व फौजी की गांव के ही एक युवक से कहा सुनी हो गई। जिस पर पूर्व सेना के जवान ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से युवक पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जांच अधिकारी मामले की जांच के लिए हर पहलू को टटोल रहे हैं। नूह जिले के गांव राजपुर में पुलिस और गोकशी करने वालों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान दो ग्रामीण घायल हुए। वहीं पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दो आरोपी भी घायल हुए हैं। पुलिस गो हत्यारों पर दो कर्मचारियों को फायरिंग द्वारा घायल होने की बात कह रहे हैं। पलवल में नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़िता को गैंगरेप की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामला बीते 2 नवंबर का है, जब आरोपी पीड़िता को बहला फुसला कर एक बाग में ले गया और वहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए इस घटना की जानकारी किसी को नहीं देने के लिए कहा। पीड़िता ने घर जाकर आप बीती अपनी मां को बताई और पुलिस को शिकायत दी। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतिया में धान की पराली को न जलाने को लेकर जागरूक करने गई कृषि विभाग की टीम का लोगों ने विरोध किया। दरअसल गांव बाड़ा में कृषि विभाग की टीम जागरूकता वाहन के साथ गांव पहुंच रही थी, लेकिन किसानों ने विभाग के जो गांव में पहुंचकर उनके खिलाफ नाराजगी दिखाई, जिसके बाद चेतावनी देकर वो दोबारा वहां से चले गए। आपको बता दें कि किसान लगातार पराली के मामले को लेकर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि विभाग जल्द पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए, नहीं तो वो खुले में पराली जलाने पर मजबूर हो जाएंगे। पृथला के गांव छायंसा में नकली शराब सेवन करने से एक 31 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शराब लाने वाले आरोपी के खिलाफ परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवाया गया है। बता दें कि गांव के ही रहने वाले चरण सिंह और जसवीर ने गांव के ही रहने वाले संजीव से शराब
मंगवाई थी, उसके बाद शराब का सेवन किया, जिसके बाद दोनों की हालत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक शख्स की मौत हो गई। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र के अपडेशन का काम और सभी पीपीटी रजिस्टर्ड डाटा को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने शहर के सभी निजी स्कूल संचालकों के साथ परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी अपडेट कार्य को लेकर बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य को सभी निजी स्कूल संचालक प्राथमिकता से लें और अपने अपने स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के परिवारों के पहचान पत्र के अपडेशन कार्य को गंभीरता से लें। उन्होंने सभी निजी स्कूल संचालकों को प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। त्योहारी सीजन शुरू होते ही मिलावटखोरों का जो है वो भी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मिलावटखोरों की धरपकड़ के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी कड़ी में फूड सेफ्टी विभाग ने अंबाला के नजदीक गांव मोहड़ा में कई हलवाइयों की दुकानों पर छापेमारी की और मिठाइयों के सैंपल लेकर लैब भेजे। इन सैंपल की रिपोर्ट 15 दिन में आएगी, जिसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इस मामले में दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकान से सैंपल लिए गए हैं, विभाग ने अफसरों से उन्हें हिदायत दी है जिसका पालन नहीं किया जाएगा। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार किसानों को जागरूक करने में लगा है। इसी कड़ी में उपायुक्त जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता प्रचार वाहन जिले के सभी गांवों में जाकर किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि पराली जलाने से जो परेशानी आ रही है उसको दूर किया जाएगा और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। साथ ही सभी गांवों के सरपंचों से भी बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए, ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। इससे पहले स्थानीय पंचायत भवन में सिरसा उपायुक्त ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए। फतेहपुर के गांव बिल्लौच में ईंटों से भरे ट्रक के नीचे दबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने फतेहपुर के बिल्लौच में सड़क जाम किए। करीब 250 लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। साइबर सिटी के पौश इलाके में पूर्व मंत्री के घर कीमती सिक्कों की चोरी का मामला सामने आया है। शहर के पौश इलाकों में शुमार ये कोठी कांग्रेस के वरिष्ठ और पूर्व मंत्री धर्मवीर गाबा की है। पुलिस की माने तो पूर्व मंत्री अब इस कोठी में नहीं रहते हैं, जिसके चलते बीते काफी समय से इस कोठी में कोई रहता नहीं है और ना ही कोई आता जाता है। इसी के मद्देनजर चोरों ने कोठी में दाखिल होकर उनके पुराने और कीमती सिक्कों से भरे थैलों की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। बहरहाल पूर्व मंत्री की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला के गांव रत्तेवाली में ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन को बंद कराने के लिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को उठाने पुलिस पहुंची, जहां ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच बातचीत में हंगामा हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों में भिड़ंत हो गई। जगाधरी में 70 साल के बुजुर्ग पंडित की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रमन बताया जा रहा है, जो कि पंडिताई का काम करता है। रमन ने पंडित ईश्वर दत्त की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की थी। वहीं पुलिस पूछताछ में रमन ने बताया कि पंडित ईश्वर दत्त ज्योतिष से जुड़ा
काम करवाने के लिए बार बार पैसे ले रहा था, लेकिन उनका कोई काम नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके घर में जो भी दिक्कत होती थी वो सब पंडित की वजह से हो रही है। इसलिए रमन ने सोमवार को पंडित ईश्वर दत्त के सिर में डंडा मारकर और चाकू से वार कर हत्या कर दी। फटाफट हरियाणा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।